क्या जिम जाने से और जिम में हैवी एक्सरसाइज करने से हमारे रेटिना पे डैमेज हो सकता है? ये एक क्वेश्चन है जो बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने पूछा है। आइए जाने इसी का एकदम सीधा और सटीक जवाब। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर सुमित अग्रवाल और आप देख रहे हैं आई हेल्थ फॉर यू, जहां आपको मिलती है एकदम सिंपल लैंग्वेज में आंखों से जुड़ी सारी जानकारी। जिम में हैवी एक्सरसाइज करने से हमारी फिटनेस बहुत अच्छी इम्प्रूव होती है, बट क्या जिम जाने से रेटिना पर भी डैमेज हो सकता है? तो इसका रीज़न जानने से पहले थोड़ा सा हम बेसिक बातें समझ लेते हैं। रेटिना आँख के पिछली सतह पर एक लेयर के फॉर्म में होता है, ये लाइट सेंसिटिव होता है और इस पर लाइट पड़ती है तो इससे हमें दिखाई देता है। रेटिना अपनी पिछले वाली लेयर से एक एक्टिव प्रोसेस से चिपका होता है और कंटिन्यूस वहाँ पर बॉन्डिंग होने से रेटिना अटैच रहता है। रेटिना के आगे एक जेल होता है जिसे हम विट्रस जेल बोलते हैं, और ये जेल रेटिना से चिपका हुआ रहता है और धीरे धीरे ये रेटिना पर हल्का सा खिंचाव डालता है और एज के साथ ये सेपरेट होता है। तो जिम जाने से हमारे रेटिना पर क्या डैमेज हो सकता है? जिम में सभी एक्सरसाइजेज ऐसी नहीं होती हैं जो हमारे रेटिना को डैमेज करती हैं। कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे कि जो हम जर्क से वेट उठाते हैं, जैसे कि जो डेडलिफ्ट्स होते हैं, या फिर ऐसी एक्सरसाइजेज जिसमें कि हमारी नेक का बहुत सडन आगे पीछे या ऊपर नीचे वाला मोशन होता है। ऐसे मोशन से ऑब्वियसली हमारी आँख पर भी थोड़ा जर्क पहुँचेगा, आँख पर भी मूवमेंट आगे पीछे अगर होगा या ऊपर नीचे होगा तो उसकी वजह से अंदर जो विट्रस जेल है वो भी मोशन में आता है और पर्दे पर वो खिंचाव देता है। तो किन लोगों में इस तरह से रेटिना डैमेज होने का रिस्क होता है? तो मोस्ट कॉमनली जिनको हाई नंबर है, जिनको मायोपिया है, जिनको माइनस पावर ज़्यादा है, माइनस पावर ज़्यादा मतलब -2, -3 से अगर पावर ज़्यादा है आपका, तो ऐसे केसेस में रेटिना में वीकनेस होने के चांस ज़्यादा होते हैं, नंबर वन। और नंबर टू, जो विट्रस जेल होता है वो ज़्यादा स्ट्रांगली रेटिना से चिपका हुआ रहता है, तो अंदर मोशन होने पर वो रेटिना पर ज़्यादा खिंचाव देता है और ज़्यादा चांस होता है कि वो रेटिना को खींच के और टेयर कर दे या फाड़ दे, और उससे फिर डैमेज होने का चांस रहता है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास आए हैं जिनको जिम में हैवी एक्सरसाइज करने के बाद सडनली रेटिना डैमेज हुआ, उसकी वजह से बहुत सारे फ्लोटर्स दिखने लगे और फिर रेटिना डिटैच हो जाता है। रेटिना डिटैचमेंट एक सीरियस कंडीशन होती है और उस कंडीशन को तुरंत सर्जरी या लेज़र द्वारा ट्रीट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो क्या हमें जिम नहीं जाना चाहिए? क्या हमें जिम वाली एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस एक चीज़ इसमें ज़रूरी होती है कि आपका एक रेटिना का डिटेल चेकअप ज़रूर हो अगर आप हैवी जिम और रेगुलर जिम जाना शुरू करना चाहते हैं। ये एक चीज़ है जो कोई भी जिम में कोई भी जिम ट्रेनर अनफॉर्चुनेटली नहीं एक्सप्लेन करते हैं, बट ये बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर रूटीन चेकअप डिटेल एक रेटिना का चेकअप करने से रेटिना में कोई वीक एरिया मिलता है या ऐसा कोई एरिया मिलता है जिस आगे जाके डैमेज हो सकता हो, आगे जाके फट सकता हो, तो एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है जिसको हम बराज लेज़र कहते हैं। रेटिना का लेज़र द्वारा उस वीक एरिया को हम सील कर देते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बना देते हैं, तो आगे जाके उसमें डैमेज होने का चांस बहुत बहुत कम हो जाता है। तो ये एक सिंपल चीज़ आप ज़रूर फॉलो करें अगर आप रेगुलर हैवी जिम शुरू करना चाहते हैं, है ना। इस वीडियो का बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप लोग जिम नहीं करें। जिम करना हेल्थ के लिए अच्छा होता है, रेगुलर एक फिटनेस के लिए अच्छा होता है, बट एक प्रॉपर रेटिना चेकअप हो, स्पेशली जिनको माइनस पावर है उन लोगों के लिए तो और भी ज़रूरी है कि हैवी जिम, कोई भी हैवी, इनफैक्ट कोई भी हैवी एक्टिविटी, हैवी स्पोर्ट, कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके पहले
एक रेटिना एवेल्यूएशन ज़रूरी है। ये आपका आगे जाके विजन बचा सकता है, आपकी आँख की नज़र को बचा सकता है। तो यही था आज का बिल्कुल शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें अपने आँखों से रिलेटेड सारे सवाल, ताकि मैं दे सकूँ उनके जवाब। अच्छा देखिए, अच्छे से देखिए। धन्यवाद और नमस्ते।